भट्टू मंडी में व्यापारियों द्वारा किसानों की नरमा कपास फसल का तौल न होने के बाद कटौती काटने का सिलसिला जारी है, जिस पर शनिवार को किसानों का सब्र का बांध टूट गया। किसानों ने व्यापारी और मार्केट कमेटी के अधिकारी व सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और इस पर एक ज्ञापन मार्केट कमेटी के सचिव को सौंपा। सुड़ीखेड़ा निवासी किसान राम सिंह, छिंद्रपाल, सतबीर, शिवराम, सुरेंद्र, मदनलाल, महेंद्र, नरेंद्र, वीरेंद्र, श्रवण, सिलगावा सहित अनेक किसानों ने बताया कि जब किसान नरमा कपास की फसल को मंडी में लेकर आते हैं तो उनके साथ नरमा कपास में प्रति क्विंटल के पीछे एक एक किलोग्राम तक की कटौती की जाती है, जो कि सरेआम किसानों के साथ अवैध कटौती की जा रही है। इतना ही नहीं, जब किसानों ने इसका विरोध किया तो उनकी नरमे की फसल को लेने से भी इनकार कर दिया। किसानों ने बताया कि उनकी सरसों, मूंगफली आदि की जिन्सों पर भी सैंपलिंग के नाम पर दर्जनों लोग उनकी डेयरी में से पॉलीथीन भरकर सैंपल का हवाला देकर ले जाते हैं, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। वहीं जब इनकी कुछ सैंपलिंग लैब से आती है तो उन व्यापारियों की मनमर्जी से ही इस पर लोग से नमी व गुणवत्ता निकाल कर भाव तय किए जाते हैं, जो कि किसानों की गुमराह करते हुए उन्हें इस बारे में जानकारी भी नहीं दी जाती। किसान भी किसी भी जिन्स का लेब व गुणवत्ता के आधार पर रेट निर्धारित होता है तो वह भी व्यापारी अपनी मर्जी से तय करते हैं। उसका रेट भी कम कीमत व उसकी फसलों को खरीदा जा रहा है। उनके साथ इस प्रकार मनमर्जी करते बहुत धोखा किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में आए किसान सभा के जिला अध्यक्ष कॉमरेड विष्णुदत्त शर्मा ने मांग की है कि लेब मार्केट कमेटी कार्यालय में स्थापित कर उनकी फसलों के रेट का टेस्ट सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत होना चाहिए। वहीं उनकी नरमा कपास की अवैध कटौती जो की जा रही है उसे रोका जाए। यदि इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो किसान अपना आंदोलन तेज करेंगे। इस बारे में किसानों ने मंडी सुपरवाइजर राजवीर को उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। इस बारे में मार्केट कमेटी सहायक सचिव महावीर सैनी से बात की तो उन्होंने बताया कि अगर कटौती की जा रही है तो भविष्य में ऐसा नहीं होगा और उन किसानों को उनकी कटौती वापस दिलाई जाएगी। इस प्रकार लेब की व्यवस्था सरकार की तरफ से हो, इसके लिए हमने उच्च अधिकारियों को लिखा है। वहीं लेब के हिसाब से ही रेट तय होते हैं तो व्यापारियों को निर्देश दिए हैं कि वह उसी के हिसाब से बोली शुरू करें।